आज मैं आप लोगों के साथ कच्चे आम के पापड़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आम पापड़ बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम आम को काट कर ले लिया है। अब मैं इसे एक गिलास पानी डालकर इसे उबलने के लिए गैस पर रख दूंगी। फिर इस तरह से चेक कर लूंगी। आम के टुकड़े अच्छी तरह से गल गए हैं। अब मैं इसे ठंडा होने के बाद मिक्सर में इसका पेस्ट बना लूंगी इस तरह से, और फिर छन्नी से इसे अच्छी तरह से छान लूंगी इस तरह से। ये हमारा पेस्ट तैयार है। अब मैं इसे गैस पर रखने के बाद एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच काला नमक, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और ग्रीन फूड कलर की कुछ बूंदें डाल दूंगी। कलर ऑप्शनल है। अब सबको अच्छी तरह से मिला लूंगी। अब इसमें एक कप चीनी डाल दूंगी। चीनी लगभग 100 ग्राम है। अब इसे अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। इसे हमें चलाते रहना है। जब ये पूरी तरह से पक जाएंगे, देखिए ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है, तब अब मैं गैस बंद कर दूंगी। अब एक थाली में घी या ऑयल लगा लूंगी। अब इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैला दूंगी इस तरह से। अब इसे 2 दिन तक धूप में रखने के बाद धीरे धीरे चाकू की सहायता से उखाड़ लूंगी इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लूंगी इस तरह से, सारे पीसे को काट लूंगी और हमारी कच्चे आम के पापड़ बनकर तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें।